लुधियाना सिविल होस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों के विच आ गया। दरअसल सिविल होस्पिटल दे देर रात दे विच दो तिरां दे विच आपसी खूनी झड़प हुई है और उस खूनी झड़प दे विच कहा जा रहा है कि 3 तो 4 लोग जिहड़े ने वो घायल होए ने। मैं इसलिए मौजूद है लुधियाना सिविल होस्पिटल। सब तो पहला मैं तस्वीरें दिखा देना चाहना इसी सिविल होस्पिटल दे विच। बीते दिन पहला भी इत्थे खूनी झड़प देखने को मिली सी, उस तो बाद हुण दूसरे दिन भी लगातार इत्थे खूनी झड़प देखने को मिली है और पुलिस प्रशासन पक्षों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए जाते हैं, पर उसके बावजूद भी इत्थे खूनी झड़प देखने को मिलती है। एक धिर जिहड़े हैगे ने वो शख्स मेरे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गल कर ले। सर क्या हुआ था, आपका नाम क्या है और किस इलाके में क्या हुआ था, कब हुआ था? इफ्तिखार जी, क्या हुआ था? ये हम वहाँ पे, यहाँ पे कोई अंकल हमारे पड़ोस में है, उनका चोट लग गई थी, मतलब किसी ने हमला किया था उन पे, पड़ोसियों ने, तो उनको देखने आए थे, मेडिकल कराने के लिए आए थे वो। तो उनको जब हमने देखा यहाँ पे आए, तो हमने बाइक अपनी पार्किंग में लगाई और पार्किंग में लगाने के बाद हम अंदर आ रहे थे, तो वो दोनों बाप बेटे इधर से जा रहे थे, जाते जाते बीच में बाइक रोक के यहाँ पे उन्होंने जो है सीधा थोड़ी सी बातचीत हुई उनकी, क्यों हमने भी पूछ लिया कि क्या हो गया था, जैसे पड़ोसी के उससे पूछ लेते हैं, तो पूछा उनसे, तो वो डायरेक्ट उन्होंने ईंट उठाई और हम पे भी हमला शुरू कर दिया दोनों पे। मैं खुद बच के भागा वहाँ से, वरना मेरा भी सिर सुर फाड़ना था उन्होंने दोनों लोगों की चोट लगी है। ये फिलहाल तो दो बंदों के लगी है। कितनी गंभीर चोट है? बहुत ज्यादा जी, हमारा बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है, और उनके दूसरे अंकल के सिर फटा है, बाकी अभी और पता करना पड़ेगा कितनी चोट लगी है, मुलाकात नहीं हुई उनसे। मैं चाहते जी इंसाफ चाहते हैं। बिल्कुल, तुम देख सकते हो साफ तौर पर कि एक धिर के जो है शख्स जिन्हें दो शख्स जड़े ने घायल हुए हैं उन्होंने पक्षों साफ तौर पर गुहार लगाई जा रही है कि उन्होंने इंसाफ चाहिए। और पर दूजे पास जर गल की जाए सिविल होस्पिटल लगातार योजे वाक्य होना अपने आप सुरक्षा उत्ते सवाल या निशान खड़े करता है। लुधियाना तो रोहित गोट, न्यूज 18। लुधियाना सिविल होस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों के विच आ गया। दरअसल सिविल होस्पिटल दे देर रात दे विच दो तिरां दे विच आपसी खूनी झड़प हुई है और उस खूनी झड़प दे विच कहा जा रहा है कि 3 तो 4 लोग जिहड़े ने वह घायल हुए ने। मैं इसलिए मौजूद है लुधियाना सिविल होस्पिटल। सब तो पहले मैं तस्वीरें दिखा देना चाहना इसी सिविल होस्पिटल दे विच। बीते दिन पहला भी इत्थे खूनी झड़प देखने को मिली सी, उस तो बाद हुण दूसरे दिन भी लगातार इत्थे खूनी झड़प देखने को मिली है और पुलिस प्रशासन पक्षों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए जाते हैं, पर उसके बावजूद भी इत्थे खूनी झड़प देखने को मिलती है। एक धिर जिहड़े हैगे ने वह शख्स मेरे नाल मौजूद ने, उन्होंने गल कर ले। सर क्या हुआ था, आपका नाम क्या है और किस इलाके में क्या हुआ था, कब हुआ था? इफ्तिखार जी, क्या हुआ था? ये हम वहाँ पे, यहाँ पे कोई अंकल हमारे पड़ोस में है, उनका चोट लग गई थी, मतलब किसी ने हमला किया था उन पे, पड़ोसियों ने, तो उनको देखने आए थे, मेडिकल कराने के लिए आए थे वो। तो उनको जब हमने देखा यहाँ पे आए, तो हमने बाइक अपनी पार्किंग में लगाई और पार्किंग में लगाने के बाद हम अंदर आ रहे थे, तो वो दोनों बाप बेटे इधर से जा रहे थे, जाते जाते बीच में बाइक रोक के यहाँ पे उन्होंने जो है सीधा थोड़ी सी बातचीत हुई उनकी, क्यों हमने भी पूछ लिया कि क्या हो गया था, जैसे पड़ोसी के उससे पूछ लेते हैं, तो पूछा उनसे, तो वो डायरेक्ट उन्होंने ईंट उठाई और हम पे भी हमला शुरू कर दिया दोनों पे। मैं खुद बच के भागा वहाँ से, वरना मेरा भी सिर सुर फाड़ना था उन्होंने दोनों लोगों की चोट लगी है। ये फिलहाल तो दो बंदों के लगी है। कितनी गंभीर चोट है? बहुत ज्यादा जी, हमारा बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है, और उनके दूसरे अंकल के सिर फटा है, बाकी अभी और पता करना पड़ेगा कितनी चोट लगी है, मुलाकात नहीं हुई उनसे। मैं चाहते जी इंसाफ चाहते हैं। बिल्कुल, तुम देख सकते हो साफ तौर पर कि एक धिर के जो है शख्स जिन्हें दो शख्स जड़े ने घायल हुए हैं उन्होंने पक्षों साफ तौर पर गुहार लगाई जा रही है कि उन्होंने इंसाफ चाहिए। और पर दूजे पास जर गल की जाए सिविल होस्पिटल लगातार योजे वाक्य होना अपने आप सुरक्षा उत्ते सवाल या निशान खड़े करता है। लुधियाना तो रोहित गोट, न्यूज 18।